हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना निसावाद जीटी क्लासेस के इस चैनल पे। और देखिए, आज हम एक अभ्यर्थी का या एक छात्र या एक एस्पिरेंट का हम देखने जा रहे हैं, उनका आईडी और पासवर्ड से क्या उनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट। हालांकि उनको मैसेज नहीं आया किसी प्रकार का, तो संभवतः ये हो सकता है कि उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, सक्सेसफुल हो चुका है। फिर भी हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि लिंक एक्टिवेट हो गया है, तो देख लेते हैं चेक करके कि उनका एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। आइए देखते हैं। पहले हमने क्या किया, पहले गूगल या क्रोम में rrb.apply.government.in पे गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा, उसमें अप्लाई में हम क्लिक करेंगे। देख लीजिए, हमने अप्लाई पे क्लिक किया और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट बता रहा है, तो इस पर हमने क्लिक किया। ठीक है, इसके पश्चात क्या होगा, इसके पश्चात व्यक्ति विशेष का हमें उनका मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस या पासवर्ड से हमें फिल करना है। तो देख लीजिए, हम फिल कर देते हैं। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, इसके बाद हमें लॉगिन करना है, तो हम लॉगिन कर देते हैं। ये लॉगिन कर दिया। अब लॉगिन करने के पश्चात देखिए क्या होगा, साइड में आपका फोटो खुल जाएगा। इस प्रकार की आपकी फोटो यहाँ पे दिख जाएगी, यहाँ पे कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में टॉप पे। अब देखिए इनके पास तीन पॉइंट खुले हैं। देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह, ऑनलाइन एप्लीकेशन हिस्ट्री। अब देखिए इसका अर्थ यह हुआ कि इनका फॉर्म सक्सेसफुली मतलब अपडेट है, या इनके में जो फोटो थी कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है, इनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ रेलवे की तरफ से। नहीं तो यहाँ पे एक चौथा नंबर पॉइंट दे दिया जाता, अपडेट फोटो एंड सिग्नेचर का, इनको एक लिंक अपडेट करने के लिए दे दिया जाता। अब देख लीजिए, अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा, यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया, एप्लीकेशन हिस्ट्री दिया। अगर हम इनके एप्लीकेशन हिस्ट्री को खोल के देखते हैं, तो इन्होंने इस प्रकार से तीन फॉर्म फिल किए हैं। देखिए, इन्होंने इस प्रकार से तीन फॉर्म फिल किए हुए हैं, टेक्नीशियन 3, लोको पायलट। तो ये रहा इनका फॉर्म, लोको पायलट, कॉन्स्टेबल और इनका टेक्नीशियन 3 का जो फॉर्म इन्होंने फिल किया हुआ है। आइए इनको व्यू एप्लीकेशन करके हम देख लेते हैं और समझते हैं कि इन्होंने कहाँ से फॉर्म फिल किया हुआ है। खुल जाएगा, देख लीजिए ये इनका फॉर्म खुल चुका है। ये अभ्यर्थी हैं, इनका फॉर्म इस प्रकार से खुल चुका है, इनकी डिटेल वगैरह है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से आप भी अपना फॉर्म आपका एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट। और लास्ट में प्रिंट एप्लीकेशन वगैरह का भी ऑप्शन है, तो चाहे तो आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अगर किसी कर्मचारी, यदि किसी एस्पिरेंट या किसी छात्र का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो आप जल्द से जल्द मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में अपना आईडी और पासवर्ड वगैरह के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जीमेल अपना दे दूंगा या अपना मेल आईडी दे दूंगा, जिससे आपका हम फॉर्म देख सकते हैं कि एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। इसी तरीके की और भी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।